हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न पे। दोस्तों, ये हमारी सीरीज लर्न टू अर्न अ स्टॉक मार्केट गाइड का अगला वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे ट्रेडिंग यूजिंग कप एंड हैंडल पैटर्न। तो चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है। तो ये राइट साइड पे मैंने एक फिगर बनाई है, अगर ये आप फिगर देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरह का होता है। तो मैं यहाँ पे जो लिखा है मैं पढ़ के दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है, समटाइम्स स्टॉक मे नॉट ब्रेक द राउंडिंग बॉटम पैटर्न एंड मे स्टार्ट करेक्शन फ्रॉम दैट लेवल, सो देर आर मोर चांसेस टू द स्टॉक टू बी इन कप एंड हैंडल पैटर्न। यानी कि अगर आप ये फिगर देखेंगे तो पहले स्टॉक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना देता है, लेकिन सक्सेसफुली उसे ब्रेक नहीं कर पाता। अगर दोस्तों आपने मेरा पिछला जो वीडियो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे देता हूँ। तो वो वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या रहता है और उसको यूज करके हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिलता और स्टॉक करेक्शन में आ जाता है, राइट। तो ये इस तरह का करेक्शन देता है और करेक्शन देने के बाद फिर से इस करेक्शन के बाद इसे ब्रेकआउट दे देता है। तो करेक्शन की जो फेज रहती है वहाँ पे एक हैंडल जैसा वो शेप बना देता है। तो ये राउंडिंग बॉटम और ये हैंडल मिला के ये दोनों हमें कप एंड हैंडल जैसे दिखते हैं, इसलिए हम इसे कप एंड हैंडल पैटर्न देखते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक चार्ट ओपन करके देखने की कोशिश करते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट जो पैटर्न रहता है कप एंड हैंडल का मुझे नहीं मिला, तो ये भी पैटर्न थोड़ा कप एंड हैंडल जैसा ही है, उसके जैसा वर्क करता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक राउंड था, कैंडल स्टिक पे अगर आप देखेंगे तो आपको हर चार्ट में एग्जैक्ट पूरी तरह से राउंड और पूरी तरह से यह हैंडल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमें उस तरह की नज़र चाहिए कि हर एक तरह के चार्ट को देखकर उस तरह का पैटर्न ढूंढ सके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप, यहाँ पे एक राउंड था, राउंड के बाद एक करेक्शन हो गया, इसको इसके राउंड को अगर ब्रेक करता तो राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हो जाता था, लेकिन इसको उसने ब्रेक नहीं किया। उसने क्या किया, यहाँ पे आकर एक करेक्शन करना चालू कर दिया और यहाँ तक उस स्टॉक ने करेक्शन दे दिया, और करेक्शन के बाद फिर से उसने एक ब्रेकआउट दे दिया। तो टोटली कुल मिलाकर ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये पूरा जो पैटर्न है कप एंड हैंडल जैसा दिखता है, तो इसलिए हम इस तरह के पैटर्न को कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझ लेने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये यस बैंक का चार्ट है, डेली चार्ट है, और यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट किस कैंडल पे हुआ है देखेंगे, और उसके दूसरे कैंडल पे करेक्शन होने के बाद हम एंट्री ले लेंगे। ब्रेकआउट कैंडल का जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो है वो इस कप, ये जो कप है उसकी जो हाइट है, तो उसकी जो हाइट है हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो भी हमारी हाइट के हिसाब से यहाँ पे एडिशन करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉक ने टारगेट हिट किया और वहाँ से करेक्शन करने के लिए चालू कर दिया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि अगर आपका टारगेट हिट होता है तो वहाँ मत रुकिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो फिर से ये करेक्शन आ जाएगा और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हर बार आपको टारगेट, स्टॉप लॉस और बाइंग जो एंट्री करते हैं हम, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो देख कर, तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा, कहाँ से कहाँ पे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट कहाँ पे लेना है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। अब मैं मेरे चैनल के बारे में बोलूंगा, ये मेरा चैनल है लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों इस चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इंट्राडे स्ट्रेटजीज के, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज के, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के, हर तरह के मैं वीडियो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए भी है, और मैं और भी डिफरेंट तरह की वीडियो बनाने भी वाला हूँ, डिफरेंट स्ट्रेटजीज की वीडियो बनाने भी वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि एक भी वीडियो नहीं मिस करना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल आइकॉन आएगा, उसको क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।